beautiful people, welcome back to my channel. So today I'm going to take you to a thrilling journey of most breathtaking festival in the world, that is Hamis Sechu Festival. हम अपनी गाड़ी बहुत नीचे पार्क करके आए क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाना उन्हीं को अलाउड है जिनके पास पासेस हैं, और पास आई थिंक 2 to 3 days पहले ही मिल जाते हैं, तो हमें इतना पता नहीं था, तो हमारे पास पास नहीं है तो हमें इतना वॉक करके जाना पड़ा ऊपर। ये देखिए इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स, दीज आर ऑल जंगली रोजेस। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाए थे, और इस समय देखिए पेड़ पूरे भर चुके हैं यहाँ पे दोनों साइड, कितना सुंदर लग रहा है। वाव, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए हैं, पूरा गांव का मेला है ये, और ये आसपास पूरा हेमिस का इलाका है। हाँ, साल बाद, मतलब बहुत साल बाद आज मेले आए हैं हम। हाँ, बहुत हालत ख़राब हो गई है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने में, अभी हमें अभी आगे काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ और कवर करनी है। जैसे जैसे हम फेस्टिवल ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ये ट्रेडिशनल म्यूजिक की वाइब्रेंट साउंड मानो हमारा ही स्वागत कर रही हो, और ऐसा लग रहा था कि हवा में ही कुछ खास बात है। हम आ गए हैं हेमिस मॉनेस्ट्री में, और यहीं पे थोड़ी देर में सेचू फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, और अभी हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे तरह तरह के मास्क डांस। तो देखते हैं आइए आगे क्या क्या होता है। देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी ब्यूटीफुल, और ये यहाँ की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी मॉनेस्ट्रीज में से एक है। और फिलहाल हम आ गए हैं सेचू फेस्टिवल में, जो कि लद्दाख का एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक तरीके से फेस्टिवल है। हेमिस सेचू फेस्टिवल इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टूवर्ड्स द मास्क डांस, जिसे आप छम डांस के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे ये डेडिकेटेड है फीमेल डाइटीज़ के लिए, और जहाँ पे ये मास्क पहन पहन के डांस करते हैं, जिसका माना जाता है कि बुराई पे एक तरीके से अच्छाई की जीत हुई है। तो ये सब डांस और ये फेस्टिवल सब उसी को रिप्रेजेंट करता है। हेमिस सेचू फेस्टिवल लद्दाख का बहुत खास फेस्टिवल है, तो इसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहां आते हैं। लोकल्स के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहां पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स की भी संख्या रहती है। हेमिस मॉनेस्ट्री को यहाँ की सबसे बड़ी थनगा पेंटिंग की वजह से भी जाना जाता है, जो कि हर 12 साल में एक बार नई पेंटिंग दिखाई जाती है, जो कि इससे पहले 2016 में दिखाई गई थी, और अब 2028 में नई थनगा पेंटिंग दिखाई जाएगी।
सो दिस इज द फेस्टिवल ग्राउंड और यहीं पे थोड़ी देर में मास्क डांस स्टार्ट होने वाला है। This festival is mainly dedicated to Guru Padma Sambhava, जिसमें उनके अलग अलग अवतारों को नृत्य के जरिए लोगों को दिखाया जाता है। Dance performances, colorful processions and many religious rituals. So यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ देखने को मिला है लद्दाखी कल्चर के बारे में। And I am feeling extremely amazed to witness the beauty of Ladakh in its cultural form. This festival is a true celebration of its culture, spirituality, and indomitable spirit of the Ladakhi people. At last, I would like to thank all of you for joining me on this incredible journey. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो please hit the subscribe button और नीचे comment करके मुझे जरूर बताएं. Until next time, keep exploring and embracing the vibrant festivals of the world. Till then, take care, bye bye. और मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ।